In a magical forest nestled between two distant mountains, there stood an ancient oak tree, wise and full of stories. This oak tree was known as the Whispering Oak, for it held the secrets of the forest and shared its wisdom with those who listened. One day, a curious young girl named Lily ventured into the heart of the forest. She had heard tales of the Whispering Oak and its ability to impart valuable life lessons. As Lily approached the oak, she felt a gentle breeze and heard a soft voice that seemed to come from the rustling leaves. The Whispering Oak shared stories of kindness, compassion, and the importance of taking care of the world around us. Lily listened intently, absorbing the wisdom of the ancient tree. Touched by the lessons, Lily decided to spread the wisdom she gained. She planted a sapling near the Whispering Oak, symbolizing the growth of goodness in her heart. And so, the Whispering Oak continued to share its timeless wisdom, making the forest a haven of kindness and understanding for generations to come. दोस्तों, इस तरह के चैनल्स की अगर अर्निंग की बात करूं तो यहां पे सोशल ब्लेड में फैक्ट चैनल की मैंने अर्निंग देखी और यहां पे देखें वीडियो के इस चैनल की वीडियोस जो है ना 262 हैं और सब्सक्राइबर आप देखें 94,000 के करीब हैं और इसके अलावा यहां पे वीडियोस की जो व्यूज हैं वो देखें 3,94,54,5,174 यानी कि अगर इसकी अर्निंग की बात करें तो मंथली अर्निंग 935 से लेकर 15,000 जो है ना डॉलर ये कमा रहे हैं। अगर एयरली की बात करें तो 11,000 से ऊपर लेकर 179,000 यानी कि डॉलर ये मंथली एयरली कमा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की वीडियोस बनाना चाहते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बताऊं कि कुछ और चैनल देख लेते हैं, स्टोरी के हवाले से देख लेते हैं। यहाँ पे स्टोरी जो क्रिएट करते हैं इस तरह के चैनल्स को देख लेते हैं, तो आप उन चैनल्स के ऊपर देखें कितने व्यूज, कितनी वीडियोस और कितने डॉलर्स वो कमा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये चैनल जो है ना, ये इसके 58 सिर्फ और सिर्फ इसने 58 वीडियोस अपलोड किए हैं, 218,000 सब्सक्राइबर्स। आप देखें कंट्री बेस्ड कहाँ पे, US बेस्ड कंपनी है, वो कंट्री है इसकी। उसके अलावा यहाँ पे अर्निंग के हवाले से भी $60 से लेकर $965 यानी कि ये कमा रहा है। अगर यहाँ पे देखें 58 वीडियोस के थ्रू ये तकरीबन $1,000 जो है ना मंथली कमा रहा है। अगर ईयरली की बात करें तो 724 से लेकर 11,000 प्लस जो है ना डॉलर ये ईयरली कमा रहा है। तो इस तरह के और चैनल भी हैं। अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर लेके आऊँ और यहाँ पे चैनल दिखाऊँ, ये एक फैक्ट्स माइंड चैनल है। यहाँ पे अगर इसकी अर्निंग मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसकी अर्निंग भी बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे देखें फैक्ट्स माइंड, तो इस चैनल की आप अर्निंग देखें, बहुत अच्छी खासी इसने अर्निंग कमाई। और यहाँ पे देखें 776 वीडियोज अपलोड हैं और इसके अलावा यहाँ पे सब्सक्राइबर 10 मिलियन से ऊपर हैं और व्यूज आप काउंट भी नहीं कर सकते। और कंट्री कौन सी है, इंडिया कंट्री है। अगर नीचे आए इसकी अर्निंग की बात करें तो यहाँ पे अर्निंग देखें 82K मंथली से लेकर 1.3 मिलियन मंथली कमा रहा है। अगर यहाँ पे देखें ईयरली की बात करें 9,89,000 से लेकर 15 मिलियन तक ये ईयरली कमा रहा है। तो यहाँ पे देखें बहुत अच्छा इसका ग्रेट स्कोर है और ये चैनल बहुत ज्यादा अर्निंग कमा रहा है। अगर आप इस तरह के चैनल्स क्रिएट करना चाहते हैं, इस तरह की वीडियोस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस तरह की वीडियोस बना सकते हैं। बाकी आप YouTube के ऊपर आए, आपको इस तरह के बहुत ज्यादा वीडियोज मिलते हैं जो कि आपको सिखाते भी हैं कि किस तरह से आप कार्टून वीडियोज बना सकते हैं, किस तरह से आप स्टोरी वीडियोज आप बना सकते हैं, किस तरह से आप इस तरह की वीडियोस बना सकते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि आप अगर इस तरह की वीडियोस बनाना चाहते हैं तो YouTube भरा पड़ा है, आप सीखें कि किस तरीके से आप इस तरह की वीडियोस को बनाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक स्टोरी, जिस तरह से आपको पहले मैंने दिखाया भी है, तो आप इस तरह की वीडियोज को किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हम ChatGPT या गूगल बार्ड में आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको शॉर्टकट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्रिएट अ मोरल स्टोरी शॉर्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी विद इमेज प्रॉम्प्ट। हमें इमेज की प्रॉम्प्ट भी चाहिए होगी,
तो इसको मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक शॉर्ट स्टोरी मुझे बताएं या लिख के दिखाएं, इंट्रोडक्टरी हो विद द इमेज प्रॉम्प्ट और इमेज प्रॉम्प्ट भी उसके साथ हो। तो चैट जीपीटी ने कहा भाई मैं आपको बना देता हूं, यहां पे लिखा हुआ है द विस्परिंग ऑक वीडियो ओपन्स विद द सिरेनी फॉरेस्ट सीन। तो ये एक इमेज प्रॉम्प्ट है, आप इस इमेज प्रॉम्प्ट को वहां पे लिखेंगे कि कहां पे लिखेंगे आगे मैं आपको बताता हूं। ये इमेज प्रॉम्प्ट होगा और यहां पे नरेटर में आप इस टेक्स्ट को क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को करेंगे कॉपी। इस टेक्स्ट को जैसे ही आप कॉपी करेंगे आपने आ जाना है यहां पे 11 लैब के ऊपर, 11 लैब में आके इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप इसी टेक्स्ट को किसी ऑडियो में किसी भी लैंग्वेज में, मिसाल के तौर पर यहां पे मैं दोबारा से उस टेक्स्ट को कॉपी करता हूं यहां पे नैरेटर्स के साथ, यानी कि ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी करता हूं और कंट्रोल सी, उसके बाद यहां पे 11 लैब में आके इसको कर देता हूं पेस्ट। तो यहां पे मैंने इसको किया पेस्ट और इस आवाज को मैं सुना, यहां पे दानियल कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं, कोई भी आप यहां पे जो आवाज है वो लगा सकते हैं, उसके बाद आप उसको सुने। ये आवाज जो है ना आप सुनेंगे तो magical forest nestled between two distant mountains there stood an ancient oak tree। अब आपने क्या करना है, ये वॉइस आपने क्रिएट कर ली, मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है इसको डाउनलोड करना है। ये मिसाल के तौर पर डाउनलोड की मैंने, और डाउनलोड करने के बाद क्या तरीका कार होता है कि आपको आवाज का पता चले कि कौन सी आवाज कहाँ पे इस्तेमाल होनी है। तो आप यहाँ पे आके, यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है आपने, आ जाना इसमें और इस जगह के ऊपर आपने जिस तरह से आवाज बनाई है आपने उस तरह से तरतीब देनी है, स्टोरी वन, स्टोरी टू, स्टोरी थ्री, स्टोरी फोर, स्टोरी फाइव, स्टोरी सिक्स, सेवन, इस तरह से जो भी आपको आवाज पसंद आए, यानी कि आपने आप नरेटर के साथ जो आप ऑडियो फाइल बनाते हैं, आप जब विजुअल या एडिटिंग कर रहे हो ना आपको पता हो कि किस तरह की आवाज कहाँ पे यूज करनी है, तो आप उस आवाज को उसी नेम से सेव कर लेना है। जब आप उसको सेव कर लेंगे आपने अगला काम क्या करना है, आपको इमेज प्रॉम्प्ट भी चाहिए होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा प्रॉम्प्ट लगता है, और आपको ये प्रॉम्प्ट डायरेक्टली आपने कैप कट से भी बना सकते हैं, आप डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके भी बना सकते हैं जहाँ पे आपको इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए हो। आप मिड जर्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डाली टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाली वन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ भी आप जा इमेज क्रिएशन के हवाले से मिलता है आपको वहां पे इमेज क्रिएट कर सकते हैं। Leonardo.ai पे ऊपर भी आप अपनी इमेज बना सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं Leonardo.ai तो यहाँ पे मैं आया, अगर मैं यहाँ से अपना इमेज क्रिएट करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, अगर मैं कहीं और से भी बनाना चाहूँ तो भी मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ पे Leonardo के ऊपर आया या डाली टू पे आया, जो भी आप एप्लीकेशन यूज करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल के साथ इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, जैसे ही मैं गूगल के साथ इसको कनेक्ट करूंगा तो ये जो है ना Leonardo मुझे इमेज प्रॉम्प्ट के बारे में बोलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो सकता है क्योंकि ये फिर OTP का मसला होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डाली ये डाली टू, डाली थ्री, डाली ए, यहाँ पे भी आप इमेज बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैट जीपीटी के ऊपर आ गए, यहाँ पे मुझे इमेज सजेस्ट मी इमेज प्रॉम्प्ट, यहाँ पे मैंने ये दिया, उसके बाद यहाँ पे हमें जो प्रॉम्प्ट है हमारा ये हमने करना है कॉपी, या ये हमने लिखना है सॉफ्ट वीडियो ओपन विद द सीन फॉरेस्ट सीन, ये बैकग्राउंड को हम जो सॉफ्ट बैकग्राउंड है उसको छोड़ देते हैं अभी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके इसको कर दिया हमने पेस्ट। इस प्रॉम्प्ट को मैंने किया पेस्ट, उसके बाद यहाँ पे इंटर दिया, इंटर दबाया तो इसने हमें उसी तरह से प्रॉम्प्ट तैयार करके दिया जो कि हमें इस तरह का जरूरत है। तो हम इसी डाली में अगर अपनी खुद की बनाना चाहते हैं, यानी कि
ये तो एक परचेज वेरिएंट है मेरे ख्याल में डाली का, तो यहाँ पे डाली दोबारा से डाली, ये थ्री इमेज जनरेट डाली के बहुत सारे वेरिएंट है, आप इमेज जनरेटर भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे बिंग माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर या आपके मर्जी है, आप अपनी मर्जी से इसको सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसने कैप्चर अभी अच्छी ये, अगर यहाँ पे आप अच्छा प्रॉम्प्ट बनाना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी की मदद से बना सकते हैं। अगर यही प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे चाहिए मुझे, कहाँ पे डायरेक्टली कैपकट के ऊपर, तो यहाँ पे भी इस तरह का प्रॉम्प्ट मैं बना सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने जनरेट के ऊपर क्लिक किया तो इसने भी डायरेक्टली हमें चार जो है ना इमेजेस क्रिएट करके दिए, जो कि हमारे लिए इस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि इसने समझना भी है इसको, उसके बाद उसी के हिसाब से आउटपुट इसने देना है। तो यहाँ पे देखें, ये जो है ना फॉरेस्ट उसी तरह का, ये देखें, ये देखें, ये देखें, बहुत सारे इस तरह के इमेजेस क्रिएट करके दे दिए। अभी मैं कोई और प्रॉम्प्ट देना चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली, अगर मैं टाइम बचाना चाहता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से यहाँ पे इमेज क्रिएट करता जाऊँगा और डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट करता जाऊँगा। तो एक तो ये हो गया कि आप कैपकट के थ्रू बना सकते हैं, डाली के थ्रू बना सकते हैं और लिनाडो के थ्रू बना सकते हैं, अगर आप उसको गूगल के साथ परमिट करते हैं। तो मैंने परमिट नहीं किया तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि कहीं से भी आप इमेज प्रॉम्प्ट तैयार करके यहाँ पे इमेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑडियो का भी पता चल गया, आप उस इमेज को डायरेक्टली यहाँ पे कैपकट के अंदर बना के, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया इस इमेज को, फिर इधर इनपुट करेंगे, इनपुट करने के बाद वही प्रॉम्प्ट फिर ऑडियो जो हमने डाउनलोड कर रखी थी, तो यहाँ पे आके उस ऑडियो को हमने ऐड कर देना है, जो भी हमारे पास ऑडियो थी। तो हम यहाँ से सॉन्ग भी फिर ऑडियो ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी का सॉन्ग भी ऐड कर सकते हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपने एक्सपोर्ट करना है। कहने का मकसद ये है कि आप उस तरह की वीडियोस को बनाना चाहते हैं, आप चैट जीपीटी के थ्रू एक स्टोरी ब्लॉक बनवाएंगे, उसके बाद उसका प्रॉम्प्ट जो है ना इमेज प्रॉम्प्ट सेट करेंगे, उसके बाद जिस तरह से वहाँ पे नरेटर है या बिसाइड्स है, पीपल आर टॉकिंग विद ईच अदर, तो आप उनकी मतलब आवाज़ों को कैप्चर करके यहाँ पे आप पे 11 लैब के ऊपर उनकी वॉइस चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आप अगर फीमेल वेरिएंट बनाना चाहते हैं, फीमेल्स की आवाज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आप इंग्लिश, उर्दू, स्पेनिश, हिंदी, जो भी आप लैंग्वेज यहाँ पे सेट करना चाहें ईजीली कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट होना चाहिए, आपके पास एक स्टोरी हो, उसके बाद आप अपनी मर्जी की ऑडियो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये आपको 333 कैरेक्टर तक ऑडियो प्रोवाइड करता है, उसके बाद आप दोबारा से बनाएंगे, यानी कि इसको स्टोरी और देंगे, उसके बाद वो दोबारा उस स्टोरी को आपको क्रिएट कर देगा। दोस्तों प्रॉम्प्ट के बाद आपने ऑडियो फाइल भी तैयार कर ली, तो प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे ऐड करेंगे और इससे इमेज क्रिएट करेंगे। इमेज क्रिएट करने के बाद आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वीडियोज के ऊपर कैप्शंस भी होंगे, आप ब्लिंक ऐप के थ्रू भी आप कैप्शंस ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे AI टूल्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप इजीली अपने जो कैप्शंस हैं वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑटो कैप्शन वाला ऑप्शन भी मिलता है, जो कि कैपकट के अंदर ही है। आप यहाँ पे आके ऑटो कैप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो मेरे कैप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, ये ऑटो कैप्शंस हैं, जिससे आपकी ऑडियंस रिटेंशन बढ़ती है, आपकी ऑडियो विजुअल के साथ आपका टेक्स्ट भी नजर आ रहा होता है, तो लोग आपकी उस वीडियो के ऊपर ज्यादा मुतवज्जे होते हैं, जिससे आपकी ऑडियंस रिटेंशन बढ़ती है और ऑडियंस रिटेंशन बढ़ने से आपकी वीडियो ज्यादा वायरल जाती है। उसके बाद आपने ऑटो कैप्शन भी ऐड कर दिया, आपने अपना जो टेक्स्ट है वो ऐड करने के बाद इमेज भी क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने अपनी ऑडियोज भी सेट कर ली जो कि आपने 11 लैब से बनवाई हैं, और उसके बाद आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड करेंगे जो कि आप उसी प्रॉम्प्ट के थ्रू सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर ऑडियो में आए तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड जो कि आपको बिल्ट इन मिलता है, आपको यहाँ पे वो वाला भी ऐड कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का यहाँ से भी डाउनलोड करें, जहां से करें आप इजिली कर सकते हैं।
इस तरीके से आप पूरा का पूरा एक विजुअल क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरी हो चाहे फैक्ट्स वीडियोस हो चाहे आपकी कोई भी वीडियो, आप उसके बाद सिंपली आप उनको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आप इजीली उनको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे और उससे आप अर्निंग कमाना शुरू कर देंगे। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो के लिए।